हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसिकास किचन। आज असी बनाने जा रहे हैं स्पेशल गोभी। गोभी बनाने वास्ते असी लवांगे, सब तो पहला असी गोभी नू मैरीनेट करांगे। असी इत्थे लिए तकरीबन 250 ग्राम्स गोभी, 1 टेबलस्पून योगर्ट, इहदे विच असी 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक एंड गरम मसाला पावांगे 1/4 टीस्पून, और जिंजर गार्लिक पेस्ट असी ऐड करांगे। ये सब इंग्रेडिएंट्स पाके असी इनू अच्छी तरह मिक्स कर लांगे। फिर असी गोभी दे जिहड़ी कट्टी हुई गोभी है उस इहदे विच पा के अच्छी तरह नूं मैरीनेट कर लांगे इहदे नाल। ओके, मैरीनेट करके असी गोभी नूं 20 to 25 मिनट्स असी फ्रिज विच रखांगे। ओके, हुण जिन्ना टाइम मैरीनेशन होएगी उन्ना टाइम असी दूसरे पैन विच 2 मीडियम साइज प्याज कट के उन्हां नूं असी जरा कुक करांगे। ओके, प्याज नूं जस्ट 5 मिनट कुक करन तों बाद असी इहदे विच टमाटर 2 मीडियम साइज टमाटर एंड हरी मिर्च कट के थोड़ा जिहा विच नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेवी। असी नमक ऐड करके इन अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हुण असी इहनूं 5 मिनट लई कवर कर देंगे। ओके, टमाटर पाउण तों बाद असी जस्ट 5-7 मिनट असी इहनूं कुक कीता और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। असी हुण इहदी फ्लेम ऑफ करके थोड़ा जिहा ठंडा करके फिर असी इहनूं ग्राइंड कर लवांगे, बिल्कुल इहदा फाइन पेस्ट बना लवांगे। ओके, दूसरे पैन विच असी हुण मैरीनेटेड गोभी नूं असी कुक करांगे। जस्ट फॉर 6-7 मिनट्स असी इहनूं कुक करांगे। ओके, गोभी नूं असी 6-7 मिनट्स कुक कीता, हुण असी इहदी फ्लेम ऑफ करके हुण असी इहदी ग्रेवी रेडी करांगे। ओके, हुण असी सब तों पहलां पैन विच बटर गरम करांगे। बटर असी तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर लवांगे, 1/2 टीस्पून जीरा लवांगे, 2 टुकड़े दालचीनी और 2 लौंग पाए। हुण असी इहदे नाल ही 1/2 टीस्पून असी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करांगे। ओके, फिर असी इहदे विच 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर पावांगे, गरम मसाला 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इहनूं अच्छी तरह असी मिक्स कर देंगे। हुण असी इहदे विच ड्राई मेथी लीव्स उह असी पा देंगे 1 टीस्पून, 1/2 मैरीनेशन करन तों बाद साडी थोड़ी जी है ग्रेवी बची सी मैरीनेशन दा उह असी इहदे विच ही ऐड कर देंगे। फिर पेस्ट पावांगे जिहड़ा असी प्याज टमाटर दा पेस्ट असी फाइन पेस्ट रेडी कर लिया, ये हुण असी इहदे विच ऐड कर देंगे। ओके, हुण असी इहदे विच गोभी दे जिहड़े शलिट्स आ असी ऐड कर देंगे, जिहड़ी गोभी असी मैरीनेट कीती है ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ 1/2 ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਗਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ 1/2 ਟੀਸਪੂਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 1/2 ਟੀਸਪੂਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਡਿਸ਼ ਕਲਰ ਐਂਡ ਸਪਾਈਸੀ ਟੇਸਟ ਆਵੇ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਭੀ ਗਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਮਲਾਈ ਦੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਗੋਭੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਾਏ ਬਾਏ।